उनके स्पिनर्स ने काफी अच्छी बॉल डाली मेरे आगे, रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, तो वहां पे मेरे हिट नहीं लगे थे, तो वो यही था कि उसके बाद हम ओवर देख रहे थे कि जिस ओवर में हिट लगनी स्टार्ट हुई तो वो बड़ा ही ओवर होना चाहिए, तो वो कॉटरेल के ओवर में एक लगी, तो उसके बाद हमने यही प्लान किया था कि ये जितना बड़ा ओवर जाएगा हमारे लिए टीम के लिए उतना अच्छा होगा। अभिषेक फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स आपको पूछ रहे हैं कि कैन यू टेक अस थ्रू योर डोमेस्टिक क्रिकेट जर्नी सो फार, मतलब आईपीएल से पहले की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं हरियाणा के लिए खेलता हूँ और मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू हो गया था 2013-14 में, तो उसके बाद हम काफी गेम्स हमारे लाली स्टेडियम में खेलते हैं, हम हरियाणा में जो होम ग्राउंड है हमारा, तो वहाँ पे मीडियम पेसर्स का ज्यादा यूज होता है, तो रणजी ट्रॉफी गेम्स कम खेला हूँ। बाकी हमारे लिस्ट है और शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हमारे 3 इंटरनेशनल स्पिनर्स खेलते हैं, चहल मिश्रा भैया और जयंत यादव, तो उनके बीच में मैं प्लेइंग 11 में रहता हूँ, तो आई थिंक हरियाणा का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए कि 3 इंटरनेशनल स्पिनर्स के साथ मैं खेल रहा हूँ। तो वही है, जर्नी ऐसे ही रहती है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिच देख के वहाँ पे टीम बनती है, और लकीली मैं टीम में खेलता हूँ वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे भी सेम रोल दिया जाता है, ऑलराउंडर का रोल है कि बॉलिंग में जितने जितने ओवर डालने को मिले उसमें अच्छा करना है, और फिर वही है सेम कि बैटिंग में जितना जो मेरा प्लस पॉइंट है तो टीम टीम को बैटिंग से जिता सकूं, मैच जीतने जा सकूं। अमित फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, अमित फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया इज आस्किंग, इनिशियली आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे बट देन सडनली यू मैनेज टू फाइंड द टॉप गियर, व्हाट चेंज्ड इन द मैटर ऑफ फ्यू ओवर्स? कुछ नहीं, मैं स्टार्टिंग में भी वही वही सोच रहा था कि स्टार्टिंग से जब मैं हिट मारने की कोशिश कर रहा था वही था कि टीम को जैसे रन रेट रिक्वायर्ड है उसके आसपास गेम चलता रहे, बस स्टार्टिंग में नहीं लगे थे हिट मेरे, तो बस मुझे कॉन्फिडेंस था कि जब जब अगर एक बार मेरे हिट लगने स्टार्ट हुए तो उसके बाद वो ओवर्स 2-3 ओवर जितने लंबे जाएंगे हमारी टीम के लिए उतना अच्छा है कि हम गेम जीतने के उतने क्लोज आते रहेंगे, तो वो उस ओवर में हुआ, वो गेम चेंजिंग ओवर निकला कि एक हिट लगे और उसके बाद फिर लगते ही गए, तो यही था यही प्लान था कि ठीक है इनिशियली 15-15-20 बॉल पे हिट नहीं लगे हैं, तो उसके बाद मेरे दिमाग में यही चल रहा था बाकी जो 3-4 ओवर में अगर मेरे 6-7 यहाँ पे हिट लग गए तो हम गेम के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। प्राजक्ता फ्रॉम क्रिकव्यू इज आस्किंग कि टीम ने बहुत बड़ा टारगेट चेस किया विद 4 बॉल्स टू स्पेयर, ऐसा गेम जीतने के बाद ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर द टीम, तो कैंप में कैसा मूड है? नहीं बिल्कुल, ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड था कि आईपीएल में इससे पहले कभी इतना लंबा स्कोर चेज नहीं हुआ और हमारी टीम ने वो किया, तो यहीं पे हर प्लेयर का कॉन्फिडेंस दिखता है, सेल्फ बिलीफ दिखता है कि सबने हमने डेथ ओवर्स में बॉलिंग इतनी अच्छी करी, कमबैक इतना अच्छा करा, तो उसके बाद आके बैटिंग में जैसे हमें स्टार्ट मिला तो कहीं ना कहीं सब में कॉन्फिडेंस था कि हम ये मैच जीत सकते हैं, सेल्फ बिलीफ था सबके अंदर, और सेम वही हुआ, और ऑब्वियसली अगर आप इतने हाई स्कोरिंग गेम में विनिंग साइड पे होते तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। अनुज फ्रॉम ANI इज आस्किंग कि अभी तक हमने टूर्नामेंट में सुपर ओवर्स देख लिए हैं कुछ, तो अगर ऐसा हमारे मैच में होता है तो राहुल तेवतिया एक ऑप्शन होंगे? इसमें बिल्कुल मैनेजमेंट के हाथ में, कैप्टन कोच के हाथ में, वो सिचुएशन देखेंगे मैच में कि कौन रन बना के आया या कौन सेकंड कितने राहुल, अच्छे। एक सेकंड राहुल, प्लीज गाइस म्यूट योरसेल्फ, देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड, सॉरी राहुल गो ऑन। हाँ जी, वैसा ही है कि अगर मैनेजमेंट और कोच और कैप्टन के हाथ में है वो तो, कि उस सिचुएशन में कौन बैटिंग करके आया है वो तो गेम पे डिपेंड करता है कि गेम में किसके हिट्स लगे हैं, किसने रन बनाए हैं, या फिर कैसे कोच और कैप्टन के हाथ में है वो, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं हमेशा तैयार हूँ अपनी टीम को किसी किसी भी सिचुएशन में, और जैसे भी हेल्प कर सकूँ अपनी टीम को मैं हमेशा उस चीज के लिए रेडी हूँ। श्रीतमा पांडे पांडा फ्रॉम इंडिया टुडे, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन स्टीव स्मिथ प्रमोटेड यू एट नंबर 3 एंड देयर वाज रिकॉर्ड प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू? सॉरी, टू मच नॉइज फ्रॉम द बैकग्राउंड। गाइस कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, सब अपने आप को प्लीज म्यूट में कर लीजिए। ओके राहुल, आई विल रिपीट दिस। What was या प्लीज। going on in your mind when Steve Smith promoted you at number 3 and there was a record chase in front of you
What discussion did you have with the captain before coming down to bat? They sent me at number four. So the only plan was just go and take on the bowlers. So वही plan था कि जो मेरा role मुझे पता था बहुत clear क्योंकि कुछ match से पहले कुछ role मुझे clear नहीं किया क्योंकि एक महीने से जब से हम यहाँ पे camp में तब से मुझे वो role पता है मेरा. तो उन्हें ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी. तो मुझे पता था कि अगर वो मुझे ऊपर भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और मेरे लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उन्होंने मुझे इतना ऊपर भेजा है. तो कहीं ना कहीं प्रूव करने का भी एक मौका था. तो वही रोल बहुत क्लियर था मेरा. एक महीने से जब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से मेरा रोल बहुत क्लियर है. बस यही बोलूंगा कि आगे भी अगर मौका मिला तो मैं अच्छा ही करने की कोशिश करूंगा. श्रुति ESPN से पूछ रही हैं कि कैन यू ऑल्सो टॉक अबाउट योर बोलिंग. ऐसे कोई एरियाज हैं जहां पे आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूव करना है या किस चीज पे काम करना है? बिल्कुल, एज अ क्रिकेटर हमें बॉलिंग का स्पेशली हर चीज में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हमारी फिटनेस, हर चीज में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना ही होता है. कहीं पे ऐसा नहीं होता कि तुम आके एक जगह पे स्टे हो जाओ. तो वही है, जब भी प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, वही रहता है कि उस ट्रेनिंग सेशन से कुछ ना कुछ लेके आए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके आए. क्योंकि वही होता है कि क्रिकेटर अगर इम्प्रूव ना करे, ट्रेनिंग सेशन में जाए और वहाँ इम्प्रूव करने की ना सोचे, तो वैसे ही हो जाता है कि जाओ और प्रैक्टिस करके आ जाओ. तो जब भी जिस भी ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं तो वहाँ यही हमारा मोटिव रहता है कि आज उस सेशन से कुछ ना कुछ लेके आए, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके आए उस सेशन से. तो यही है कि बैटिंग में भी अभी काफी चीजें जिन पे मैं वर्क कर रहा हूँ और करता रहूंगा. सेम ऐसे ही बॉलिंग पे है. तो अकॉर्डिंग टू टीम्स प्लान होता है सब कुछ. तो जो प्लानिंग चल रही है अभी हमारी, बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है और उसके साथ जो हम वर्क कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशन में जाके, तो वही है कि वर्क कभी रुकता नहीं है और इम्प्रूवमेंट का डेली स्कोप होता है, हर दिन नया होता है. तो वही ट्राई करते हैं कि डेली सेशन से कुछ ना कुछ गेन करके आए. ओके, बिफोर वी मूव टू संजू, राहुल एक और सवाल. आप बिहेवियर ऑफ द पिच इस साल मतलब किस तरीके से असेस करते हैं? डू यू थिंक द पिच इज स्पिनर फ्रेंडली? आस्था, कैन यू प्लीज रिपीट? सॉरी, how do you assess the behavior of the pitch? Do you think the pitch is spinner friendly? I don't think कि शारजा में spinner friendly pitch थी क्योंकि ground के dimensions भी थोड़े छोटे हैं. तो सबका role होता है. देखो हमारे spinners को अगर जब हमें run लगे तो हमारे medium pacers ने comeback किया death overs में. उनकी वजह से हम कहीं ना कहीं target हमें लग रहा था कि 240-245 के आसपास जाएगा. But जैसे हमारे मीडियम पेसर्स ने हमें मैच में कमबैक किया. तो सबका रोल है, मीडियम पेसर्स का अपना रोल है, स्पिनर्स का अपना रोल है. हाँ, लगता है कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट पे थोड़ा स्पिनर्स को हेल्प मिलने लगेगी लेटर ऑन, कि थोड़े विकेट स्लो होंगे क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है यहाँ पे. बट मेरा मानना यही है कि सबका उतना ही रोल होता है गेम में. मीडियम पेसर्स का भी उतना ही रोल है और स्पिनर्स का भी उतना ही रोल है. तो सबको अपने रोल पूरे करने हैं, तभी टीम जीतती है. किसी एक पे या किसी दो पे टीम डिपेंड नहीं रहती. तो सबको अपने रोल पूरे करेंगे, सब अपने रोल पूरे करने की कोशिश करेंगे तो टीम अच्छा करती रहेगी. ओके, लास्टली राहुल, कल के मैच के लिए क्या सोच है दिमाग में, क्या करने जाने वाले हो? नहीं, सेम मैंने जो आपको बताया कि मुझे मेरा रोल, ये जो अभी एक महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे मेरा रोल पता था. कहीं ना कहीं मुझे लॉकडाउन में भी, मुझे ये जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो वो मुझे रोल पहले बहुत बहुत क्लियर था मैं इस रोल के लिए. तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चल रहा था कि ये रोल जब भी मिलेगा और अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी तो उसको ग्रैब करूंगा. और यही है, ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं हम, वही प्रैक्टिस, उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं, स्पेसिफिक प्रैक्टिस करते हैं. जैसे मैंने बताया था कि जो रोल दिया गया है तो उसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं. तो बस मेरा यही है कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस रखने की कोशिश करूंगा. थैंक यू राहुल. थैंक यू. आस्था, कैन आई लीव नाउ? यस, यू कैन. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. संजू, कैन यू पुट ऑन योर वीडियो प्लीज? यस सर. हेलो. या, कूल. संजू, सो आई आस्क क्वेश्चंस वन बाय वन. द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज फ्रॉम नीरू फ्रॉम द वीक. एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज फॉर राहुल. सॉरी नीरू, आई फॉरगॉट टू आस्क इट टू राहुल, सो आई विल ट्वीक इट एंड आस्क इट टू संजू. You refused a single to Rahul during the last match. What was going under your mind for that decision to be made? And after that, what happened is actually what you need to talk about.
Yes, I think when you're playing a tournament like IPL or when you're playing a format like 2020, each and every over of an opener and bowler becomes very crucial. So at that moment, I thought that Maxwell was bowling is an off-spinner. So I'm a right-handed batsman and I was striking it really well. So I just wanted to face maximum number of deliveries of Maxwell as possible to score the maximum amount of runs. Just thinking about hitting those 3 to 4 sixes in those five or six balls. So that's why I didn't take a single. I think with Rahul Tewatia being a left-hander and he was not at his right form at that moment of his innings. So I thought that's a good decision to take and that one or two sixes are going to change the match. So I was confident that I can hit those sixes. Okay. Anuj Mishra from ANI has asked, considering the depth in batting along with the likes of Tewatia and Archer coming good with the bat, do we see RR preferring to chase in the tournament? Preferring to chase, as you rightly said, our team is very well balanced. I think we have good amount of good bowling, good strong bowling lineup, and also now with, as rightly said, Tewatia and Jofra being one of the match winners in the last two matches, I think we are very confident with our batting lineup. Also, we are batting so deep that Shreyas Gopal is coming around 9 to 10, and Jaidev is finishing the innings. I think they also have some decent scores. So I believe that it depends upon the conditions. I think it depends upon the conditions. If you have enough dew coming on the second innings, you would like to bat first. And yeah, it's purely according to the situation, we take a decision on the toss. Shantanu from First Post has asked, you have always been a smooth six hitter, but you have been hitting a lot of sixes this IPL. What's the secret to clear the ground with so much ease? yes, I think I have understood my game. As I have already said that I have understood my game. I think it's more of a power hitting, and when you come to T20, it becomes a bit more higher. So I was lucky enough to get those 4 to 5 months where I was training on my strength and my power hitting and my power exercises in my gym and otherwise. So I think that might have helped me to hit more sixes this season. Abhishek Purohit from HT has asked, you said you have 10 years left in the game. How hard or complicated has it been to come to this realization? Yes, I think it has been, I think as I have been very lucky to be a part of Rajasthan Royals or people. I think I have been lucky to be a part of very good cricketers along with me. But more than that, I have had some really great individuals, like good human beings around me. So I've understood that you have to take a call somewhere or other in life or something like that. I think so. I'm a bit deep person. I keep on thinking about my future. I keep on thinking where I'm going, which direction am I leading to. Or I keep on thinking that when am I, like how many years do I have in my life left? I think eventually everyone will die one day. So at the same time, if I play cricket, I'm going to finish playing cricket one day. So that's how I came to this thought that I can't play cricket after 10 to 12 years. So whatever time it is, if I'm not fit enough, I should not play. So that's when I realized that I have 10 years to go. And really one amazing experience happened. I think when I was in the gym with the Indian team, I was with training with Virat Bhai. So I just asked him, I think, how is his training routines or why does he put so much energy into fitness and all those things. I keep on asking him a lot of different questions. And then he told me that, Sanju, how many years are you going to play? So I said, I think I can play around 10 more years or something like that. And then he told, I think तू 10 साल बाद तू कुछ भी कर सकता है तू तेरे को केरला का खाना खाना है तू कुछ भी खा सकता है जो जो मन करे कर सकता है but this 10 years you won't be able to play cricket after this 10 years so why don't you give everything whatever you have in this 10 years I think that really changed my perspective towards my dedication towards cricket I was already dedicated I used to give everything but there was something more which I could have given so I was really happy to hear that from him. Amit from Big FM is asking, back-to-back power pack performances, do you think you're knocking the door of National Selection Committee office for national side? Yeah, I may be not. I'm not sure. I think the only thing I'm sure is that I'm in a good form. I'm winning matches for my team and that's what I've been really preparing myself throughout my career. I think only dream I have is to win matches for my team, any team I play for. I think that's what it's happening right now. And I should keep my focus here and focus on the IPL right now.
How tough is it adjusting to the scorching heat of the UAE? Does playing in Jaipur help you with that? Yeah, playing in Jaipur and playing in Kerala really helps to deal with the hot weather. I think it was a bit easy to adapt. Rahul from Indian Express has asked, your coach Biju George revealed that you stayed in a monastery before IPL. Can you tell us a bit more on that? What does he mean by monastery? I think I don't understand what. I'm not sure. Yeah. I stayed in my home. I think I stayed inside my flat with my wife. And I really worked hard during the lockdown. And I was really working hard with a person called Raifi Vincent Gomez. I think he has really helped me from the last 10 years. I think we spent quite a lot of quality moments in the last 5 months. I think Raifi Bhai has really helped me to become better as a human being and also better as a cricketer. So I think he's the guy who has been helping me out. And I was very lucky and fortunate to share my thoughts or share my thinking to a person called Raifi, because he has also played the IPL for 2 to 3 years, and then he has also represented Junior India, and he also, I feel that we both play the game same way. So having someone in your hometown who has, I think that's what happened. I think he was the guy who has guided me properly, and he is guiding me properly, I think. What are you missing more this IPL, the crowd or playing on your home soil? I think both. I think both, definitely both. I think playing IPL in India is a different atmosphere. It's a different kind of an experience. I think people who have started playing IPL this year, I think I would like to say that you should come and play IPL in India. I think the fans over there, the crowd over there, the atmosphere, the sound, it's amazing. I think each and every boundary you score, each and every dot ball happens, the crowd get involved. I think so that's a really great thing which we are missing. People are comparing your style of playing with MS Dhoni. How do you react to that? Well, that's a bit, I'm not at all sure about that. I think MS Dhoni, no one can play like him, or no one should try playing like him. That's what I would like to suggest anyone. You know, it's not at all easy to play like MS Dhoni or think to play like MS Dhoni. I think we should leave him aside. He's one of the best finishers or best cricketers to ever play this wonderful game. So I never think about me playing like MS Dhoni. What I really love to be is like be myself or understand what is Sanju Samson and just be myself whenever I play a game. Lastly, Sanju, just your preparation for the match tomorrow. What are you most looking forward to, and how do you see your opposition? I think I am in a very good space. I think I'm in a very good space mentally and physically. I'm very ready and eager to go. I think we're just going for our practice today. So I think definitely when you keep on playing different opponents, I think you keep on changing your plans when you're playing in different venues. I think we are playing in Dubai tomorrow. So there are bigger grounds. So you need to change your game plans accordingly. So yes, preparation-wise, game plan-wise, everything is spot on. I think we have a very smart guys here in our team management. I would like to say that I was spending a lot of time with our video analyst whose name is Manish Shetty. I think I have closely worked with him from last 4 to 5 months, thinking about my game and talking a lot about opponents like KKR or Punjab or Chennai, or how do the bowlers come and bowl to me, or how are they trying to get me out. So spending a lot of time with quality people like Manish Shetty, the video analyst we have, I think that has really improved my cricketing brain and cricketing sense, and I think I'm in right hands. I think we're ready for the next game. Perfect. Thank you, Sanju. Thank you.